आज कंप्लीट हो जाएगी। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले जरा देख लीजिएगा। अगेन वही फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो हम इन क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब इन फॉर्मूलों में एक फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट आया है जो बाकी तो हम डिस्कस कर चुके हैं कल। आज ये फॉर्मूला देखिएगा, अगर कहीं पर ये सिचुएशन बन जाए ए प्लस बी को होल स्क्वायर दरमियान माइनस ए माइनस बी को होल स्क्वायर इक्वल टू, हम क्या देख सकते हैं, फोर ए बी। मतलब क्या है कि अगर पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू इन दो वैल्यू का स्केयर हो दरमियान माइनस फिर कोई वैल्यू हो और यहाँ पे माइनस और होल स्केयर हो तो उसको हम लिख सकते हैं 4ab। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट 1। देखिए सवाल ये है कि 15 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y माइनस 4 बाय 3y माइनस 2x, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम अगर गौर करें तो नीचे जो वैल्यू इधर भी 2x मौजूद है, इधर भी मौजूद है, इधर 3y मौजूद है, इधर भी 3y मौजूद है, लेकिन 2x इधर प्लस का है, इधर माइनस का है, इधर 3y माइनस का है, इधर प्लस का है। अब मैंने क्या किया, यहां से माइनस को कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लिया तो आपके पास जो प्लस वाली थी वो माइनस होगी, जो माइनस वाली थी वो प्लस होगी, सिर्फ यहां से ली है। अब ये माइनस 3y बन गया प्लस 2x, बाकी सारा सेम लिख दिया। अब ये माइनस और ये माइनस आपस से मल्टीप्लाई हो गए, प्लस बन गए, माइनस माइनस प्लस। और मैंने प्लस वाली वैल्यू 2x पहले लिख दिया है, माइनस 3y बाद में लिख दिया है सेम करने के लिए। अब देखिए नीचे वैल्यू सेम हो गई है, मैंने एलसीएम लिया 2x माइनस 3y, इधर भी 2x माइनस 3y, इधर भी 2x माइनस 3y, एलसीएम ले लिया। ऊपर क्या बच गया, ये इससे कैंसिल हुआ 15 बच गया, ये इससे कैंसिल 4 बच गया, 4 प्लस 15 इज इक्वल टू 19 by 2x minus 3y, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। 1 plus 2x divided by 1 minus 2x minus 1 minus 2x divided by 1 plus 2x। अब यहां पे मैंने क्या किया, दोनों तरफ क्या लिया है, LCM लिया है, क्या लिया है, सॉरी यहां पे मैंने इसका LCM लिया है। LCM लेने के बाद यहां पे देखिए हमारे पास ये भी LCM में आ जाएगा, ये भी LCM में आ जाएगा, 1 minus 2x into 1 plus 2x। अब यहां पे गौर करें जरा, LCM लेना आपको आता है, पहले 7 8th के अंदर LCM को सीख के आए। यहां पे देखिएगा 1 minus 2x, 1 minus 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या मौजूद है, पहले 1 plus 2x, इधर क्या बचा, 1 plus 2x, जो इधर चीज नीचे बचेगी कैंसिलेशन, ये और ये दोनों कैंसिल हुए, जो चीज बचेगी वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी। ऊपर भी 1 plus 2x है, इधर जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वो भी 1 plus 2x है, दोनों सेम थे, मैंने 1 plus 2x का होल स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह यहां पे देखें, ये 1 plus 2x, 1 plus 2x आपस में कैंसिल, इधर क्या बच गया, 1 minus 2x, ऊपर भी क्या है, 1 minus 2x, मैंने क्या लिख दिया, 1 minus 2x का होल स्क्वायर, नीचे वैल्यू देखिए हमारे पास सेम है। अब यहां पे देखिए मैंने अभी फार्मूला यहां पे बताया है, ये देखिए फार्मूला a plus b को होल स्क्वायर माइनस a माइनस b को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, तो यही शक्ल बन रही है, a plus b मतलब 1 plus 2x, a की जगह क्या है 1, b की जगह क्या है 2x, a की जगह 1, b की जगह 2x, a plus b का होल स्क्वायर माइनस 1 minus a minus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, a की जगह 1, b की जगह 2x, ये मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया। नीचे भी फॉर्मूला लग रहा है जो हम कल बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं, a प्लस बी ए माइनस बी का, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई किया, 2 4 2 8, आगे x है, नीचे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर बन जाएगा, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट है 3, x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 36 माइनस एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाय एक्स प्लस सिक्स, ये आपके पास
क्वेश्चन है। अब यहां पे अगर और फरमाए तो इसको मैंने लिख दिया, तो ऑलरेडी देखा हो x स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर, 25 है ना, 5 का स्क्वायर कर सकते हैं x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, ये मैंने सेम लिख दिया। अब यहां पे मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस ba माइनस b का, a की जगह x मौजूद है, b की जगह 5 मौजूद है, x प्लस 5 x माइनस 5, नीचे भी इसी तरह x प्लस 6 x माइनस 8, ये वैल्यू साथ सेम चली। अब अगर गौर फरमाए आप लोग तो यहां पे देखिएगा ये वैल्यू, मैं सब बता रहा हूं, x प्लस 5 बटा x प्लस 6 यहां पर भी है, x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 6 यहां पर भी है, दोनों साइड पे माइनस से पहले भी है माइनस के बाद भी है, इसको मैंने कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 6, अंदर क्या बच गया x माइनस 5 बटा x माइनस 6, इधर क्या बच गया 1 बच गया, इसका मैंने एलसीएम दे देना है, ये सब सेम चलेगा, ये मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेना आपको आता है, मैंने यहां पे लिख दिया, देखिएगा x माइनस 5 माइनस बाय माइनस था, अब ये x माइनस 6 जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि बाय माइनस है, यहां पे x प्लस 6 हो जाएगा, माइनस x और प्लस का 6, ये 6 और ये 5, 6 माइनस 5 1, x और x आपस में कैंसिल, ये 1 आ गया, नीचे x माइनस 6, अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, ये आपस में नीचे फॉर्मूला बन जाता है x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, सॉरी माइनस 6 स्क्वायर, तो ये आपके पास x स्क्वायर माइनस 36 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, देखिएगा जरा पार्ट 4 है, x डिवाइडेड बाय x माइनस y माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस y माइनस 2xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब पहले मैं इन दोनों को हल कर लूंगा, पहले इस पोर्शन को हल कर लूंगा, अब देखिएगा इन दोनों को मैंने लिया एलसीएम, अब एलसीएम लिया है, आगे देखिएगा अपनी ये x माइनस y, x माइनस y से कैंसिल हो गया, बाकी क्या नीचे बच गया x प्लस y, अब ये x प्लस y ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू x प्लस y, ये मैंने लिख लिया, दरमियान में माइनस, मैंने माइनस लगा दिया, अब ये प्लस की वैल्यू इस प्लस से कैंसिल, बाकी क्या बच गई माइनस की, ये माइनस वाली वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई की y इंटू x माइनस y, बाकी ये साथ सेम चल गया। अब इस x को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, इस माइनस y को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बन गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये एक्स वाई आ गया, ये माइनस है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास आ गया, ये साथ सेम आ गया, अब ये एक्स वाई और ये एक्स वाई आपस में कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में है, ये साथ सेम आ गया। अब इन दोनों वैल्यू का, अब इसका जो आंसर आया था वो ये आ गया, अब इन दोनों वैल्यू का एलसीएम अगेन मैंने दे दिया, इन दोनों का सेम ही डिनोमिनेटर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मैंने एलसीएम दे दिया, ऊपर वाला सेम है क्योंकि कैंसिलेशन हुई, बाकी कोई भी बचता नहीं है, वो ऊपर मल्टीप्लाई क्या होगा तो सेम वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, ऊपर अगर आप गौर फरमाए तो फॉर्मूला बन रहा है ये वाला, ये फॉर्मूला बन, ये शक्ल हमारे पास मौजूद है, हम उसको ये लिख देंगे, तो ये देखिए मैंने इसको ये शक्ल लिख दी, माइनस टू के साथ माइनस है तो माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे मैंने फॉर्मूला था उसको ओपन कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था, ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर आप गौर फरमाएं तो ये एक माइनस वाली इस एक के साथ कैंसिल हो जाएगी, ऊपर x माइनस y एक बच जाएगा और नीचे x प्लस y बच जाएगा, ऊपर x माइनस y नीचे x प्लस y, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 5 का, 5 पार्ट देखिएगा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 18। अब मैंने क्या किया, नीचे फार्मूला कंप्लीट हो रहा था, मैंने फार्मूला कंप्लीट कर दिया, ये सेम लिख दिया नीचे फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, 3 को स्क्वायर देख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन गया, ऊपर सेम रहा, नीचे 2 कॉमन आ रहा था, मैंने 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बच गया। अब यहां पे देखिए ये फार्मूला किसका बन रहा था, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस वाला फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह x है, b की जगह 3 है, x plus 3 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहां पे अगेन फार्मूला बन रहा है,
9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये बनेगा x प्लस 3 x माइनस 3। ये मैंने इसको ओपन कर दिया। अब देखिए यहां पे नीचे x प्लस 3 यहां पर भी मौजूद है, यहां पर भी मौजूद है, मैंने दोनों से बटे में से कॉमन ले दिया, तो 1 बाय x प्लस 3 कम क्यों लिया, ताकि हमारी सिंपलीफिकेशन थोड़ी सी आसान हो जाए, क्योंकि आगे हम एलसीएम लेंगे तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए। देखिए यहां पर मैंने एलसीएम लिया, ये स्टेप गौर से देखिएगा, ये एलसीएम लिया, क्या बचा था x प्लस 3 ये 2 ये x माइनस 3 यहां पे आ गया। अब कैंसलेशन करने के बाद जो चीज बचेगी वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, x प्लस 3 x प्लस 3 से कैंसल, क्या बच गया 2 और x माइनस 3, 2 x माइनस 3 ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अगर आप गौर से देखेंगे तो समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब 2 और x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये 2 x माइनस 3 कैंसिल, बाकी क्या बच गया x प्लस 3 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर क्या मौजूद है x प्लस 2 x प्लस 3 आपस में मल्टीप्लाई। अब इनको सिंपलीफाई करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करते जाए, ये मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये फिर अगेन मल्टीप्लाई किया, बाय माइनस अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, फिर यहाँ पे सिंपलीफिकेशन की है हमने, 2 एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है माइनस का, दो में से एक चला गया एक्स स्क्वायर, 10 माइनस का एक्स है, माइनस का 5x है, ये 15x आ गया, 12 माइनस 6 6 आ गया, और नीचे वैल्यू ये हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस 3 था, ये भी x प्लस 3, दोनों सेम है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 6 इसका है, और ये भी सिंपल है, इसका लास्ट पार्ट आई थी 1 बाय एक्स माइनस 1, 1 बाय एक्स प्लस 1, माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस 4 बाय एक्स की 4 माइनस 1। मैंने सिंपल पहले क्या किया, इन दोनों को हल किया है, इन दोनों को लिया है, इनका वो इस सारे स्टेप जो पीछे हम करते आ रहे हैं, इनका एलसीएम दिया, सिंपलीफाई किया, ये साथ ऐसे चलते जाएंगे, सिंपलीफाई किया, ये आंसर आ गया। अब यहां पे ये जो आंसर आया, अब इन दोनों को हल करेंगे, फिर इनका एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम दिया, एलसीएम लेने के बाद आप देखिए आपके पास आंसर क्या आ गया, ये सिंपलीफाई आ गया अंदर मल्टी, बाकी एलसीएम सारा तो सेम है ना, मैंने यहां पे सिखा दिया आपको, तो आप यहां पे खुद कर सकते हैं। तो आंसर आ गया 4 बाय एक्स की 4 माइनस 1, यहां पर भी पहले जो साथ चलता आ रहा है ये दोनों सेम हो गए, अपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो जाएंगे, आंसर इज 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसको सिंपलीफाई करना है, और दरमियान में प्लस सॉरी मल्टीप्लाई और डिवीजन का साइन है, उसके अकॉर्डिंग इसको हल करना है, सिंपलीफाई करना है। अब यहां पे देखें तो आपके पास क्या मौजूद है, एक्स स्क्वायर माइनस 49 है, इसको मैं देख सकता हूं एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 7, 49 7 का स्क्वायर होता है, ये मैंने लिख दिया, ये सेम मैंने लिख दी। अब यहां पे अगर गौर फरमा लें तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल, जो बाकी बचे वो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है, गौर से देखें 4x माइनस 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 डी, यहां पे दरमियान में पहले मल्टीप्लाई था, यहां पे अब क्या आ गया, डिवीजन आ गई है, 18 माइनस 2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 9। अब मैंने यहां से 4 कॉमन लिया, नीचे देखे तो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा था एक्स स्क्वायर माइनस 9, किसका फॉर्मूला है एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 का, डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया, फिर 2 कॉमन ले दिया यहां से, 18 और 2 में से 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 9, किसका फॉर्मूला है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, आप रफ वर्क में कर सकते हैं। अब दोबारा देखें ये एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 और ये एक्स माइनस 3 आपस में कैंसिल हो गया, क्या बच गया 4 बाय एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय, यहां पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 को स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स 2 साथ सेम रहा, नीचे हमारे पास इसको मैंने दो दफा लिख दिया एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना, मैंने इसको दो दफा लिख दिया। अब मैंने यहां पे अरेंज करना है इसको, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता है, जब मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन को कन्वर्ट करते हैं तो उससे आगे वाली जो वैल्यू होती है उसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, यानी कि उलट जाती है वैल्यू, ये सेम रहा, इसको मैंने लिख दिया x प्लस 3 x प्लस 3, ये नीचे वाली ऊपर चली गई, ऊपर वाले नीचे x प्लस 3 3 माइनस x।
अब ये वैल्यू इसके साथ कैंसल, ये वैल्यू इसके साथ कैंसल, बाकी क्या बच गया 3 - x। इसको मैंने आंसर से मैच करने के लिए यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ऊपर क्या है 4 डिवाइडेड बाय माइनस कॉमन लिया, तो पहले क्या था 3 - x, अब क्या बन गया x - 3। तो ये माइनस ऊपर भी देख सकते हैं 4 - x - 3 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, देखने में भयानक है लेकिन है नहीं। देखिएगा x^6 - y^6 / x^2 - y^2, फिर डिवीजन का साइन आ गया x^4 + x^2 y^2 + y^4। अब यहां पे देखें, मैंने इसको उल्टा दिया, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो दूसरी वैल्यू उलट जाती है, या ये जब उल्टेगी तो ये 1 / x^4 + x^2 + y^2 / y^4 बन जाएगा। मैंने नीचे मल्टीप्लाई करके लिख दिए क्योंकि नीचे जब आ जाएगी तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन जाएगा, ये शक्ल बन जाएगी। अब नीचे देखिए तो फार्मूला बन रहा है, ये बोला ये फार्मूला मैंने लिखा है a³ - b³ = a - b (a²) + ab (b²). अब a की जगह क्या मौजूद है यहां पे देखें, a की जगह x² है, b की जगह क्या है y² है, a² यानी कि x² - y² a - b (a²), देखो ना x² है, स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, ये पावर है, पूरा फार्मूला कंप्लीट यहां पे लग रहा है। मैंने यहां पे फार्मूला अप्लाई कर दिया a³ - b³, तो ये शक्ल बन गई a³ - b³ की। अब a क्या था, x² था, 3 × 2 = 6, ये नीचे भी 6, ये नीचे 6 आ जाएगा। अब ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है x²-1 / x² + 2x + 1 (x+5) / 1 - x। ऊपर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है a + b (a - b) का, ये साथ सेम लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म लिख दिया, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा था। किसका फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, ax x + 1 2, ये मैंने साथ सेम लिख दिया 1 + 1 - x। अगर आप गौर करें तो यहां पे x + 1 एक यहां से कैंसिल होगा, ठीक है। अब यहां पे ये बच गया 1 - x (x+1 x + 5), यहां पे नीचे क्या बच गया x + 1 x (1 - x). अब मैं अगर और आप फरमाएं तो यहां पे थोड़ी सी डिफरेंस के साथ ये दोनों कर सकते हैं। अब यहां से अगर मैं माइनस कम ले लूं तो ये शक्ल वाली नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम उस तरह बन जाएगा। तो मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया 1 - x, और नीचे भी इस तरह की वैल्यू मौजूद है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -(x+5) / (x+1), ये आपके पास आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज x²+xy (y)(x+y)/(x+y)/(y)(x+y)/। अब पहले यहां पे मल्टीप्लाई था, अब यहां पे क्या गया डिवीजन आ गया x²-x / xy - 2y। अब यहां पे देखें, यहां से दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ये मैंने x कॉमन लिया, बाकी क्या बच गया x+1, नीचे भी कॉमन दिया हुआ है, यहां से फिर x कॉमन आ रहा है, x+1 बच गया, x+y बच गया, ये सेम है, लिखे लिखे मौजूद है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -(x+5) / (x+1), ये आपके पास आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज x²+xy (y)(x+y)/(x+x)/(y)(x+y)/। अब पहले यहां पे मल्टीप्लाई था, अब यहां पे क्या गया डिवीजन आ गई x²-x / xy - 2y। अब यहां पे देखें, यहां से दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ये मैंने x कॉमन लिया, बाकी क्या बच गया x+1, नीचे भी कॉमन दिया हुआ है, यहां से फिर x कॉमन आ रहा है, x+1 बच गया, x+y बच गया, ये सेम है, लिखे लिखे मौजूद है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -(x+5) / 2y।